नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का, और इस अधिवेशन के ठीक बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक शुरू। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में पहुंचे हैं। भारत मंडपम में ही मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में पहुंचे हैं, जेपी नड्डा भी हैं, अमित शाह भी मौजूद हैं। तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल, और सीधे तौर पर निर्देश शायद दिए जाएं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी, और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी हो सकता है कि बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें गाइड किया जा रहा हो कि कैसे आखिर इन राज्यों में मुख्यमंत्री रहते हुए आपको काम करना है। हो सकता है कि विचारधारा का भी जिक्र हो सकता है कि कई विकास कार्यों का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से या वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किया जाए। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्रियों की ये बैठक, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पर बातचीत हर एक प्रदेश के लिहाज से करने वाले हैं वरिष्ठ नेता। हो सकता है कि किसी प्रकार की हलचल और अच्छा खासा बदलाव भी आपको मुख्यमंत्री स्तर पर देखने को मिले, चूंकि अगर उनको गाइडलाइंस मिल रही हैं राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से तो हो सकता है कि इसका क्रियान्वयन भी प्रदेश में जल्दी हो। सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। अशरफ, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, अतिरिक्त जानकारी, क्या कुछ होने वाला है? देखिए अवंतिका, इससे मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है इसमें प्रमुख रूप से राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं, खासकर केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य कैसे उनको आम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका क्रियान्वयन कैसे है करना है, आम लोगों तक जोड़ना की बात की जा रही है, कैसे राज्य सरकार भी जुड़े और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका आम लोगों तक सीधा फायदा पहुंचे और उसके बारे में बताया जाए कि कैसे राज्य की सरकार जो जहां भाजपा है और कैसे केंद्र सरकार सीधे गरीब कल्याण की बात कर रही है। और दूसरा ये है कि अब आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं इसमें हमें किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। जो विधानसभा के मुद्दे थे उसका अब क्या वो दोबारा सही रहेंगे, उनकी जगह दूसरे मुद्दे होने चाहिए, तो ये सब तमाम पहलू है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैसे आपने जनता को अपने साथ जोड़ना है और ये बताना है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार चल रही है उसका फायदा क्या पहुंच रहा है, किन लोगों को पहुंच रहा है। खासकर जिसकी राशन वाली जो बात है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन अगले 5 साल तक दिया जाएगा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है बीजेपी की सरकार ने, ये सब प्रमुख बातें हैं जो जनता तक दी जा रही होगी। निश्चित ही कि क्या करना है मुख्यमंत्री रहते हुए आपको राज्य में। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा, और इस अधिवेशन के दौरान क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएं। बड़ा फैसला सामने आता है, प्रस्ताव लाकर पार्टी के संविधान में संशोधन को लेकर बात रखी गई है। पार्टी अध्यक्ष को लेकर संविधान में संशोधन होना है, संसदीय बोर्ड कर सकता है अध्यक्ष की नियुक्ति, इस प्रकार की भी जानकारी। अध्यक्ष पद खाली होने पर फैसला लिया जा सकता है, इस प्रकार के बदलावों को लेकर जानकारी सामने आती हुई। अध्यक्ष का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है संशोधन का अगर हम जिक्र करें तो। संसदीय बोर्ड प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया है। पार्टी स्तर पर फैसले लेने के लिए महाधिवेशन, अध्यक्ष पद को लेकर कुछ संशोधन भी हैं जिसे बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित भी किया गया है। सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे हम समझ लेते हैं स्थिति। विनीत, पार्टी के संविधान में संशोधन को लेकर आशंकाएं शायद रही हैं, क्या कुछ आगे बदलाव के तौर पर देखेंगे अब? जी निश्चित तौर पर अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी के संविधान में एक संशोधन का एक प्रस्ताव जो है वो आता है जिसमें इस बात की जो है अधिकार जो है वो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दी जाती है कि अगर संविधान में अगर अध्यक्ष का पद खाली हो और इसमें अगर और इसमें जो है वो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके संविधान में जो है वो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किया जा कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई मौजूदा अध्यक्ष हो उसका कार्यकाल खत्म हो जाए तो उसके कार्यकाल
राज्यपाल में विस्तार जो है उसका अधिकार जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो है वो दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर बीच में ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें अध्यक्ष जो है वो नहीं में रहते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, तो नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति जो अस्थायी तौर पर है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो कर सकता है। तो साफ तौर पर एक संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के वो आता है और जिसे ध्वनि मत से जो है वो पारित कर दिया जाता है। तो साफ तौर पर एक बड़ा अधिकार जो है वो पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दिया है, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ अध्यक्ष के सेवा विस्तार की का भी जो अधिकार है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दिया जाता है। तो एक बड़ा फैसला हम इसे मान सकते हैं बीजेपी के संविधान में। जी ठीक है, और पार्टी स्तर पर तो बात हुई ही है चूंकि महाधिवेशन में विनीत, साथ ही साथ अब ये भी माना जा रहा है कि राज्यों में भी विकास कार्यों को लेकर हलचल होने लगी है, ये भी शायद समझाया गया है कि समन्वय कैसे रखना है केंद्र और राज्य की योजनाओं में, इसे लेकर कोई हलचल आप अलग अलग प्रदेशों में अब देखेंगे क्या, खासतौर पर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से बताइएगा। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अलग अलग देशों की दृष्टि से बात करें, विकास योजनाओं की बात करें, तो अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री समन्वय समिति की बैठक हो रही है, निश्चित तौर पर इसको इसी में पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं को किस तरह से राज्य जो है वो बेहतर तरीके से अपने यहाँ लागू कर रही है, इसको लेकर के चर्चा होती है। इसके साथ ही साथ कोई भी राज्य जो है अपनी विशेष योजना की चर्चा जो है वो इस बैठक में करता है ताकि दूसरा प्रदेश जो है वो इसे समझ सके। तो निश्चित ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनीत ये जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात आगे क्या परिवर्तन होते हैं, और आइए अब चर्चा कमलनाथ को लेकर कर लेते हैं। कमल के होने वाले हैं कमलनाथ, ये सवाल निरंतर चलता आ रहा है बीते डेढ़ महीने से इसी प्रकार की हलचल, और लेकिन दिल्ली में जो आप हलचल का हॉटस्पॉट देख रहे हैं इसे लेकर लगातार जानकारियां सूत्रों के हवाले से। एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई, कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ को मनाने का प्रयास किया। एक तरफ चूंकि खबरें लगातार चल रही है कि कमलनाथ बीजेपी के होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ से पार्टी ये भी प्रयास कर रही है कि अगर इन खबरों में सच्चाई है तो डैमेज कंट्रोल तो कम से कम किया जाए। कमलनाथ को मनाने की कोशिश शुरू हुई है, राहुल गांधी ने कमलनाथ और नकुलनाथ से फोन पर बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आपका पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता है, आपने पार्टी और देश के लिए सब कुछ किया है, पार्टी ने हमेशा आपका सम्मान किया, आगे भी करती रहेगी, ये शब्द रहे हैं राहुल गांधी के। अब सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये तय है कि कमलनाथ पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के दामन के साथ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये प्रयास करती हुई कि आखिरी कोशिशें जरूर की जाएं अपने स्तर पर भी। सहयोगी शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। शिवम, राहुल गांधी से सीधे बातचीत हुई है, अब तो ये तय ही माने कि पहुंच रहे हैं कमलनाथ बीजेपी में? देखिए, जब से लगातार ये बातें हो रही थी कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तब से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों अभी तक कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार भी कमलनाथ से संपर्क नहीं साधा है, क्या वजह है कि पार्टी लीडरशिप कमलनाथ को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन न्यूज 18 के पास उच्च सूत्रों से ये जानकारी है कि आज राहुल गांधी ने कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों से फोन पर बातचीत की है, उन्हें पुराने रिश्तों का हवाला दिया और ये भी कहा कि पार्टी ने हमेशा आपका सम्मान किया है, पार्टी आगे भी करती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपने न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का भी मनोबल डाउन करेगा। यही एक वजह है कि उनको समझाया बुझाया गया है। लगातार ये अटकलें चल रही थी आखिर क्यों पार्टी लीडरशिप कमलनाथ से बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन अब न्यूज 18 के पास उच्च सूत्रों के हवालों से यह खबर है कि पार्टी लीडरशिप ने भी कमलनाथ को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि तमाम सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कमलनाथ भले ही पार्टी ज्वाइन न करें बट वो उन तमाम विधायकों को, महापौर को और जो उनकी लीडरशिप है उसको बीजेपी के पाले में खड़ा कर देंगे। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि अगर कमलनाथ जाते हैं हो सकता है उतना बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन जैसे सिंधिया गए थे 20 से 22 विधायक ले गए थे, अगर कमलनाथ जाते हैं 1 से 2 दर्जन एमएलए से जाते हैं, पार्टी के पदाधिकारी ले जाते हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में है कि अगर कमलनाथ नकुलनाथ जा रहे हैं तो अपने साथ तमाम विधायकों को लेकर पहुंचेंगे। अभी देखने वाली बात कि इस फोन पर हुई बातचीत का कोई असर कमलनाथ पर क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। तो कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होना लगभग तय, आप समझिए प्रधानमंत्री से मुलाकात वो कर सकते हैं, अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, और श्रृंखला बहुत लंबी है, 15 विधायक, 8 पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं, 2 महापौर के भी नाम सामने आ रहे हैं जो शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कमलनाथ के बंगले पर जय श्री राम का झंडा आज फहराता हुआ दिखा है। अभी तक मेरी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है,
ये कमलनाथ कह रहे हैं, सीधे इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस का हूं, कांग्रेस में रहूंगा। शब्द उनके ये हैं कि अभी तक बीजेपी से बात नहीं हुई है। हो सकता है कि आगे इसे लेकर जरूर वो डिक्लेयर करें कि पहले बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी बहुत पुख्ता नजर आती हुई। इसलिए लगभग तय कि कमलनाथ, नकुलनाथ और पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें निरंतर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं कमलनाथ मीडिया से। प्रयास बहुत किए गए कि उनसे बातचीत की जा सके, समझी जा सके स्थिति, लेकिन अभी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो एक तरफ ये खबरें हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में कमलनाथ खेमे के नेताओं की नाराजगी भी है। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने खुलकर कहा कि जिस तरह से कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया, सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, इससे कमलनाथ के समर्थकों को काफी ठेस पहुंची। और उसके बाद निष्कर्ष पर आप ये खबरें देखते हैं। कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद उपेक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। और वाराणसी पहुंची कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कमलनाथ के सवाल पर कन्नी काट ली। जब उनसे कमलनाथ की नाराजगी पर सवाल पूछे गए तो कहा कि वो विश्वनाथ की बात करने आए हैं, कमलनाथ की नहीं। सुनिए। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। और एक और दिग्गज दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अभी भी कह रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं बीजेपी में। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा है कि कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव डालते हैं, कमलनाथ पर भी दबाव डाला है। लेकिन हालांकि कमलनाथ चरित्र में ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि दबाव में आ जाए। सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है, और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला केंद्र? तो दिल्ली से अगली बड़ी जानकारी, कमलनाथ को लेकर बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया, बीजेपी में आने की अटकलों पर कहा कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। ईडी से डराए जाने के आरोपों पर दिग्विजय पर भी पलटवार किया, ऐसा है तो सिर्फ कमलनाथ को ही डर क्यों है, ये सवाल पूछा है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईडी का डर जो है वो नेताओं पे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पे? नहीं तो कमलनाथ डर रहे और वो क्यों नहीं डर रहा, अगर ऐसा है तो ईडी का डर नहीं, उनके नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। सर अगर हम बात करें, सर अगर कमलनाथ अगर पार्टी में आते हैं तो सर उनका स्वागत करेंगे सर आप? देखिए अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी,
पर यदि कहीं धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो आग होगी ही नीचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद कांचन अप्पू पाठक के साथ, विनित कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो ये खबरें लगातार जारी है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटते हैं।